हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम हर्बल आयुर्वेदिक लिप स्क्रब। ये सौंदर्य प्रसाधन की रेंज में है और ये वही लिप स्क्रब है जो हमारे एंसेस्टर क्वींस यूज़ करते थे। एकदम हर्बल है और अपनी कैटेगरी के अंदर बेस्ट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको चाहिए खाली कटोरी कांच की। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कांच की कटोरी लेनी है तो खाली कटोरी कांच की ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच सफ़ेद चंदन पाउडर। ये सफ़ेद चंदन पाउडर आपको छानना नहीं है क्योंकि इसमें हल्के हल्के लकड़ी के रेशे जो हैं स्क्रब के काम आएंगे। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच लाल चंदन पाउडर। जितना हमने सफ़ेद चंदन पाउडर लिया है उतना ही लाल चंदन पाउडर आपको लेना है। ये जो मेज़रमेंट आप बना रहे हैं मेरे साथ साथ, इससे 15 दिन तक की लिप स्क्रब तैयार होगी क्योंकि ये बनने के बाद बहुत ही सिकुड़ जाता है। साथ ही हमें लेनी है आधी छोटी चम्मच मुलेठी पाउडर की। मुलेठी पाउडर में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी जगह अगर पिगमेंटेशन या डीकलरेशन हो जाए या होठों पे अगर कहीं पे काले कॉर्नर हो जाए तो उनको दूर कर देता है। तो अब चलिए इन सबको अच्छे से किसी टूल की सहायता से हम मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब हमें इसमें मिलाना है शहद। दोस्तों, शहद इसमें आपको आधी छोटी चम्मच मिलाना है, तकरीबन उतना ही जितना हमने मुलेठी पाउडर मिलाया था। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि यहाँ पे हम चीनी या कुछ और आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं मिलाएंगे। इस रेमेडी में जो भी चीज़ें हमें डालनी है वो सारे प्योर और हर्बल होंगी। चीनी के अंदर सल्फर होता है तो चीनी स्क्रब के अंदर हम नहीं मिला रहे हैं। अब आप इसे अच्छे से फिर से एक बार मिक्स करें और जब आप इस बार मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि हल्की हल्की गांठें पड़ने लगी हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया है। सच में दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको दोस्तों इसके अंदर मिलाना है आधा चम्मच तेल का। तेल के ऑप्शंस में बहुत सारे हैं। मैं यहाँ गुड़हल का मिला रही हूँ, आप चाहें तो नारियल का, बादाम का, जैतून का, तिल का या विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स का ऑयल इसमें मिला सकते हैं, जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो या जैसे आपको सुविधा हो। अब आप इसे धीरे धीरे फिर मिक्स कीजिए। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही तेल या शहद को मिलाएं, ज़्यादा एक बार में ना डालें। अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा तेल मिलाने के बाद ही ये जो चंदन पाउडर है और मुलेठी पाउडर है एक स्क्रब का फॉर्म ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अब गुलाब के फूलों का पाउडर मिला सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि स्क्रब बनता जा रहा है और अब यहाँ पे बारी है चंदन के तेल की कुछ बूंदें डालने का। यहाँ पे मैंने प्योर चंदन का तेल दिया है जो खाने के काम भी आता है। अगर महारानी रेंज वाले सौंदर्य स्क्रब बन रहा है तो चंदन का तेल तो डलना ही था। तो इसमें मैंने डाले 4 से 5 बूंदें चंदन के तेल के और यकीन मानिए इसके खुशबू लगाने के बाद इतनी अच्छी होती है कि आपको परफ्यूम या कुछ और लगाने का मन ही नहीं करेगा। इसके अलावा मैं इसमें मिला दूंगी होहोपा ऑयल के 5 से 6 बूंदें। ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, इसे जोजोबा भी कहते हैं, स्पेलिंग इसकी जोजोबा आएगी, पर ये बेस्ट मॉइस्चराइजिंग होता है लिप्स के लिए। अब चलिए इसे एक बार वापस से हम मिक्स कर लेते हैं। अब मैं आपको इसका लगाने का तरीका बता देती हूँ। आपका जब मन करे आप इसे लिप्स पे लगा लीजिए और धीरे धीरे स्क्रब कीजिए। इसमें हम मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड चीज़ें कुछ नहीं डाली, नहीं तो लिप्स को डैमेज भी करती हैं। धीरे धीरे स्क्रब करने के बाद थोड़ी देर आप इसे सूखने दीजिए और फिर कॉटन की सहायता से पोंछ लीजिए। या दूसरा तरीका है कि जो बेबी टूथब्रश होता है यानी जो बच्चों का टूथब्रश होता है उसे लीजिए, थोड़ा गीला करें और उस पर इसे पेस्ट की जैसे लगा लें और अपने जो लिप्स हैं उनके ऊपर धीरे धीरे इससे मसाज करें। आप यकीन माने होंठ सच में खूबसूरत हो जाते हैं। दोस्तों, ये सब मिलाने के बाद में अगर आखिर में लगे कि हमें लिप स्क्रब की कंसिस्टेंसी उतनी चिपचिपी नहीं मिल रही जितनी होनी चाहिए तो थोड़ा सा फिर आप शहद मिला लीजिएगा। आप इसमें तेल ना मिलाएं, उस समय सिर्फ आपको शहद मिलाना है। अब देखिए आपके सामने लिप स्क्रब एकदम बनके तैयार है।
अगर इसके कॉस्ट हम निकालें तो हार्डली ये कॉस्ट करेगा 50 से 60 रुपीज़। यानी अगर जितना सामान मैंने आपको इसमें रेमेडी में बताया उस उतना अगर एक बार आप ख़रीद के रख लेते हैं तो ये साल भर चलता है, एकदम हर्बल है और बेस्ट है, क्योंकि हमें केमिकल से जितना दूर रहें उतना अच्छा। तो देखिए स्क्रब बन के तैयार है, और जैसे मैंने कहा था बहुत सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह से सिकुड़ गया है। अब आप इसे एक छोटे कंटेनर में खाली कर लीजिए। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी के हाथ नहीं लगें। अगर इसमें पानी नहीं लगता है तो ये ख़राब नहीं होगा जब तक कि ख़त्म नहीं होगा। ये पास से ऐसा दिखता है, और जब आप इसे लगाएंगे तो लगाने के बाद ये होठों पे पिंक टोन देता है। दोस्तों आप लिप्स पे अच्छे से इसे स्क्रब करें, और उसके बाद कॉटन की सहायता से पोंछ दें। आप इसे धोइएगा नहीं, और उसी के ऊपर कोई भी आप लिप बाम लगा लीजिए। उम्मीद है दोस्तों कि रेमेडी आपको एकदम नई और बेस्ट लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखें, सुंदर लगें, स्वस्थ रहें। जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।